न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और दोनों न्यूरॉन्स जो है आपको एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है। तो एक न्यूरॉन जो है अगर उसका कौन सा रीजन है प्री स्नैप्टिक रीजन है, तो दूसरे न्यूरॉन जो है उसका पोस्ट स्नैप्टिक रीजन है। ठीक है, पोस्ट स्नैप्टिक किसका होगा बताओ? नर्व एंडिंग्स है जिसकी, ठीक है। और नर्व एंडिंग्स में भी आपको क्या था कि नर्व एंडिंग्स जो है अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो नर्व एंडिंग्स जो है उसमें क्या प्रेजेंट है? वेसिकल्स प्रेजेंट है, और वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। ठीक है, सी द लार्ज व्यू ऑफ द नर्व एंडिंग्स। आपको स्फेरिकल वेसिकल्स नजर आ रही है, और उस स्फेरिकल वेसिकल्स में आपको क्या नजर आ रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स नजर आ रहे हैं। ओके बेटे, आपको कहते हैं कि जैसे ही नर्व इंपल्स जो है वो इसके पास पहुंचती है, नर्व एंडिंग्स के पास कहां से पहुंची? देखो डेंड्राइट से सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से एक्सॉन के अंदर, और एक्सॉन से नर्व इंपल्स कैसे मूव करती है? इन रिले लाइक फैशन मूव करती है, एंड फाइनली दे एंटर इनटू द नर्व एंडिंग्स। एंड व्हाट हैपन एट द नर्व एंडिंग्स? तो यू नो दैट इनसाइड द नर्व एंडिंग्स वेसिकल्स आर प्रेजेंट, एंड दीज स्फेरिकल वेसिकल्स दे कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके बेटे, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो क्या करते हैं? दे कैप्चर द इन्फॉर्मेशन, एंड एज सून एज दे कैप्चर द इन्फॉर्मेशन व्हाट दे डू, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, नर्व एंडिंग्स की देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्या किया इन्होंने, ये जो स्फेरिकल वेसिकल्स थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर गई है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर रही है? बाहर आ रही है, उसको पेनिट्रेट करके बाहर आ रही है। And you know that between the two neurons a gap is there, and that gap is known as membrane cleft. और इसके बाद कहते हैं कि these neurotransmitters containing vesicles they move through this synaptic cleft. ठीक, और इसमें कुछ ना कुछ जो है केमिकल प्रेजेंट होता है, उसके जरिए ये फ्लोट करती है, एंड आफ्टर फ्लोटिंग दे रीच द नेक्स्ट न्यूरोन। और सबसे पहले किसके कॉन्टेक्ट में आएंगे? तो कहते हैं कि नेक्स्ट न्यूरोन जो है उसके डेंड्राइट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, और उसके डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स जो है ना वो इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। अब देखो क्या होगा, जो वेसिकल्स है उसमें जो प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन कैप्चर की थी, अब वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने किसको दे देनी है? रिसेप्टर्स को दे देनी है। ठीक है बेटे, तो रिसेप्टर्स में वही चीजें हो रही है जो फर्स्ट न्यूरॉन में हुई थी। रिसेप्टर जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे, तो देखो जब तक वो स्नैप्टिक क्लैफ्ट के अंदर थी वो किस फॉर्म में थी? केमिकल इंपल्स के फॉर्म में थी। जब वो एक्सॉन के अंदर थी तब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में थी। अब जब फिर उसको फिर किसने पिक कर लिया है? रिसेप्टर्स ने पिक कर लिया। ठीक है बेटे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर सेल बॉडी में डिफ्यूज होके फिर से वही केमिकल इंपल्स का ही रूप ले लिया उसने, और उसके बाद फिर जब उसने एक्सॉन के अंदर एंटर कर दिया तब उसने क्या बन जाना है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाना है। फिर सेम प्रोसीजर होगा, it then move towards the nerve ending, then it's stored in the vesicles that are present in the nerve ending. So in this way the impulse is propagated. ठीक है, एक चीज और बताई हुई है यहाँ पे, we have two type of synapses, electrical snaps and chemical snaps. ठीक है, तो body के बहुत ही कम parts हैं जहाँ पे किस तरह से electrical impulse move करती है electrical snaps के जरिए। मतलब एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। सोचो तुम्हारे बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रिकल स्नैप प्रेजेंट होती? हाँ जी, फोर लिम्स के अंदर। ठीक है, ये हमारी आर्म्स है, तो ये वाला इतना पोर्शन और ये ऊपर वाला पोर्शन है, इस पॉइंट पे जाके ज्वाइन करना है। तो कई बार तुमने देखा अपने ऐसे जोर से कहीं पे लग जाता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे करंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिकल स्नैप्सिस प्रेजेंट है, मतलब न्यूरॉन्स एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी सारी जगह पे बॉडी में मोस्टली कौन से स्नैप्सिस प्रेजेंट है? केमिकल स्नैप्सिस प्रेजेंट है, मतलब न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्टेड है, उनके बीच में क्या है? केमिकल है जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से सेपरेट करता है, और ये इसलिए होता है ताकि किसी तरह की कोई बॉडी को मैकेनिकल शॉक्स ना लगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखो, अब